नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के कस्तूरबा स्कूल की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड में 11 जून तक बारिश के आसार। झारखंड की राजधानी रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जिले के कुछ भागों में कुछ ही देर में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग की माने तो तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 जून तक बारिश हो सकती है। बता दें, रांची में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जिले के कुछ भागों में कुछ ही देर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। तेज हवाएं चल सकती है। विश्वास रैली में बीजेपी ने ली आदिवासियों की सूद। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज की चिंता सिर्फ बीजेपी ने की है। 70 वर्षों में किसी ने इस समाज की सूद नहीं ली है। आदिवासी समाज ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी देने वालों शहीदों के गाँवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ी है। सीएम ने खुद व अपने करीबियों के नाम पर खदान ले ली है। आप सब बदलाव के लिए बीजेपी को वोट कर मजबूत बनाएं। जेपी नड्डा ने कहा, कुर्बानी देने वालों के गांव को बनाया जाएगा आदर्श ग्राम। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी की विश्वास रैली मोराबादी मैदान में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि और वक्ता जेपी नड्डा थे। इस रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी देने वालों के गाँव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज धरती अब्बा बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सभी वीर शहीदों को नमन। आदिवासी समाज की चिंता किसी ने नहीं की है। यदि की है तो वो है बीजेपी। आज़ादी की लड़ाई से पहले आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तिलका मांझी ने दामिन विद्रोह किया था। सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत समेत अन्य वीर शहीदों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। झारखंड में भी उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। आयसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने इस संबंध में सीएम हेमंत को पत्र लिखा, जातीय जनगणना कराने पर फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार ने नीतिगत मामले के तौर पर फैसला लिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर पर जातीय जनगणना की पहल करे। इसको लेकर पहले भी पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक सरकार स्तर पर कोई संतोषजनक पहल होती नहीं दिखाई पड़ रही है। झारखंड में बालू की कमी, पीएम आवास व पुल पुलियों समेत सभी निर्माण बंद। झारखंड में बालू की कमी से पीएम आवास समेत सभी निर्माण कार्य ठप हैं। इसका असर यह है कि आज राज्य के करीब 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 4 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती लंबित है। इसके अलावा NGT के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव भी प्रतिबंधित है, जिस कारण आज राज्य में बालू की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। लोगों को 3 से 4 गुने महंगे दामों पर बालू मिल रहा है। बता दें, 10 जून से पूर्व बालू स्टॉक करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अवधि कम रहने से समस्या हो रही है। पढ़ाई के लिए 25 स्टूडेंट जाएंगे ब्रिटेन, आयरलैंड। हेमंत सोरेन की सरकार मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 युवाओं को विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी।
यह दूसरा साल होगा जब राज्य सरकार अपने खर्च पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवाओं को विदेश भेजने वाली है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश जाकर पढ़ाई करने को इच्छुक युवा 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अपना आवेदन वेबसाइट www.jharkhand.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने अब खोले कलसी बिल्डर के राज। हेमंत सोरेन पर हमलावर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर फिर से बड़ा धमाका किया है। इस बार उन्होंने इशारे में पूछा है कि कलसी बिल्डर के यहाँ झारखंड के किस नेता का पैसा लगा है। एक और ट्वीट में भाजपा सांसद ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा, इस सरकार से एक काम की उम्मीद करना ना समझी है। पूरा का पूरा तंत्र ही राज्य सरकार का भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कलसी बिल्डर के यहाँ झारखंड के किस नेता का पैसा लगा है। रघुवर दास ने कहा, तथा कथित आदिवासी नेता हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आदिवासी हितों के लिए पूर्ववर्ती सरकार में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने प्रलोभन देकर या जबरन धर्मांतरण को गैरकानूनी कराते हुए इसके खिलाफ कठोर कानून बनाया, लेकिन आज हेमंत सोरेन सरकार में इसकी धज्जियां उड़ रही है। सरकारी आरक्षण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हाल ही में तोरपा में बच्चों के धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है। रघुवर दास ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार के समय जनजातीय समाज के लिए काफ़ी कार्य हुए। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रांची में 150 वर्ष पुराने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल संग्रहालय का निर्माण तथा बिरसा मुंडा समेत झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिभा का निर्माण कराया गया। झारखंड में पहली बार अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का फैसला किया गया। सीएम हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी ने की पूछताछ की तैयारी। बड़हरवा टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के बाद प्रवर्तन निदेशालय की आंतरिक छानबीन में संताल के क्षेत्र में अवैध खनन व परिवहन की पोल खुल गई है। अवैध खनन व परिवहन का पैसा कहां कहां बंटता है उसकी भी जानकारी ईडी को मिल गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी को डिजिटल साक्ष्य के रूप में भी मिले, जिसके आधार पर अब ईडी का घेरा कुछ और बड़े लोगों के इर्द गिर्द कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ भी ईडी ने केस दर्ज किया है। सोमवार को झारखंड आ रहे लालू यादव। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सोमवार 6 जून को झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर आ रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में वह 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होंगे। यह पुराना मामला है। इस मामले में अदालत ने उन्हें तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग की ओर से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया था। अदालत ने उन्हें नोटिस भेजकर तलब किया है। अदालत के समक्ष वह अपना पक्ष रखेंगे। सोमवार से सरकारी स्कूलों में होगी वार्षिक परीक्षा। राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 साल बाद वार्षिक परीक्षा होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के साथ ही यह परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। कोरोना के कारण सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले 2 वर्षों में वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी थी। बच्चों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया गया था। इस साल होने वाली वार्षिक परीक्षा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की तरह पहले एवं दूसरे टर्म के लिए 1 साथ 2 यूनिट में ली जाएगी। 22 को होगी CHO परीक्षा, 29 को रिजल्ट। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु संचालित होने वाले ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 जून को होगी। पहले यह परीक्षा 11 जून को होने वाली थी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने परीक्षा के अलावा अन्य संबंधित तिथियों में भी संशोधन किया है। इसके तहत इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 18 जून तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं 23 से 24 जून को मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा तथा उस पर आपत्तियां ली जाएगी।
झामुमो ने कहा भाजपा की रैली में सरना धर्म कोड की चर्चा तक नहीं। झामुमो ने भाजपा की रविवार को हुई धरती अब्बा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को विश्वासघात रैली कहा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा की इस रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस रैली में सरना धर्म कोड की चर्चा तक नहीं की गई, वहीं इसमें जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति का नामो निशान नहीं दिखा। पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए सुप्रियो ने कहा कि भाजपा नेता 36,000 आदर्श ग्राम योजना के तहत जनजातीय हित की बात करते हैं, लेकिन जनजातीय समाज की पहचान सरना धर्म कोड की किसी भी नेता ने चर्चा तक नहीं की। झारखंड जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में 646 खिलाड़ी दिखा रहे दम। कोडरमा जिले के सीएच स्कूल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य भर के 646 खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। बता दें 3 जून 2022 को उद्घाटन के बाद लगभग रात 12 बजे तक प्रतियोगिताओं का दौरा चलता रहा था। इसमें 22 जिलों के अलावा विनोवा भावे विश्वविद्यालय, टाटा स्टील बोकारो सेल, ब्रह्मासी क्लब और बिरसा कबड्डी के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। बालकों की 26 और बालिकाओं की 20 टीमें हिस्सा ले रही है। आयोजन को सफल बनाने में राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष आर मिश्रा, सचिव विपिन कुमार सिंह, टूर्नामेंट के तकनीकी चेयरमैन तेज नारायण माधव, राम प्रवेश सिंह शामिल हैं। पूर्व नक्सली कमांडर ने सरेंडर कर ले लिया सरकारी लाभ, फिर थाम लिया बंदूक। गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ उस वक्त लगी जब जिले में आतंक का पर्याय माने जाने वाले नक्सली भानु को मासुका के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर रंका थाना क्षेत्र के करी जंगल से गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 मैगजीन, 20 चक्र कारतूस, देसी कटा 2.315 की गोली, 7 मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। नक्सली भानु की आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो आत्मसमर्पण से पहले 6 तथा आत्मसमर्पण के बाद 8 यानी विभिन्न थानों में उस पर 14 मामले दर्ज हैं। हटिया सिकंदराबाद परीक्षा स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के तहत ट्रेन संख्या 08615 हटिया सिकंदराबाद हटिया परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। इन ट्रेनों में SLRD के 2 कोच, सामान्य श्रेणी के 6 कोच, सेकेंड स्लीपर के 11 कोच, AC 3 टीयर के 2 कोच एवं AC 2 टीयर का 1 कोच समेत कुल 22 कोच होंगे। रांची में चल रहे बिना निबंधन कई अस्पताल प्रशासन करेगा कार्रवाई। झारखंड की राजधानी रांची में बिना निबंधन के ही कई अस्पताल व रेडियोलॉजी संचालित हो रहे हैं। इसमें कई बड़े अस्पतालों का नाम भी शामिल है। एक आंकड़ा के मुताबिक रांची जिले में लगभग 518 छोटे बड़े निजी अस्पताल, क्लिनिकों और रेडियोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें से महज करीब 297 निजी अस्पताल व क्लिनिकों ने ही स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पूरी तरह से राज्य में लागू नहीं हो पाया है। झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेज में पीजी का मात्र 220 सीटें। झारखंड के 8 मेडिकल कॉलेज में से सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है, जिसमें 220 सीटें हैं। इसमें एमएस के लिए 74 और एमडी की 146 सीटें शामिल हैं, लेकिन दूसरे राज्यों जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उत्तराखंड की स्थिति देखें तो वहाँ मेडिकल कॉलेज की संख्या अधिक है और वहाँ पीजी की सीट 3 से 7 गुना अधिक हैं। इसमें से कई राज्य तो झारखंड के साथ ही अलग हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में आए 2 नए मेहमान। पलामू टाइगर रिजर्व में 2 नए नन्हे मेहमानों का आगमन हुआ है। ये मेहमान है तेंदुए के बच्चे। एक मादा तेंदुए ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। अब ये बच्चे करीब 15 से 30 दिन के बीच के हो गए हैं। इनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। इन पर नज़र रखने के लिए आसपास के इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। धन्यवाद।